नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में मरुआ एक पौधा होता है उसकी विशेषताएं या उसकी खूबियों के बारे में बताया है कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है खाना। वैसे तो एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये सब कड़ी पत्ता, ये सब पौधे बहुत ही अच्छे हैं। हम ज़्यादा पौधे नहीं लगा सकते या उनकी केयर नहीं कर सकते, तो थोड़े बहुत पौधे हमें घर में ज़रूर लगा कर रखने चाहिए जो हमें फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। तो आप इन पौधों को ज़रूर लगाएं और अपने आपको और अपने बच्चों को खिलाएं और फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में हम अच्छे अच्छे पौधे लगाकर, यानी कि फ़ायदेमंद पौधे लगाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मरुआ का पेड़ है। दोस्तों, ये मरुआ का पेड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे खाना, इसकी पत्तियों को खाना या इसकी चटनी बनाकर खाना, इसके रस को पीना, जैसे तुलसी के पत्ते या उसका रस फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह से ये मरुआ की जो पत्तियाँ होती हैं, इनकी, ये पेड़ जो होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, खुशबूदार होता है। और जब किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के या बड़े के में, तो इसकी पत्तियाँ चबा करके, सुबह खाली पेट भी चबाई जा सकती हैं इसकी पत्तियाँ, और ये इसकी चटनी बना करके भी हम खा सकते हैं। तो इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना, इसकी पत्तियाँ, बस दो ही पत्तियाँ इसकी खाई जाती हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमें लूज मोशन हो जाएंगे और ये फ़ायदे की जगह हमें नुकसान ही करेगा। और ये एक बहुत खुशबूदार पौधा होता है, जहाँ पर भी ये लगता है खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, बिल्कुल एक सौंप के जैसे खुशबू होती है। ये बहुत अच्छी खुशबू देता है, हवा चलती है तो इसकी खुशबू भी उसके साथ ही उड़ती है, और ये फ़ायदेमंद भी है। इसमें इसकी इन पत्तियों को चाय में डाल करके, तुलसी के पत्ते की तरह चाय बना कर पियेंगे तो ये खांसी, सर्दी और जुकाम वगैरह सबको ठीक करता है और पेट के कीड़े भी ख़त्म करता है, और इससे कब्जी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, गैस को भी ख़त्म करता है और शरीर को अच्छा फुर्तीला बनाए रखता है, यानी कि काफ़ी रोगों को ये ख़त्म करता है। मैं ये भी कहूँगी कि इसमें, ये अभी छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसी में ही बीज आ जाते हैं, और वो बीज इसके या ये गमले में या ये ज़मीन में गिर कर बन जाता है, यानी कि एक ही पौधे से कई पौधे बन जाते हैं। इसे बस एक बार खरीदा जाता है और फिर इसमें से जो बीज आते हैं वो कई पौधे तैयार हो जाते हैं उससे, और ये पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो और जैसे कि कई बच्चे चटनी नहीं खा सकते तो उन्हें पत्तियाँ दे सकते हैं, एक पत्ती, इसकी ज़्यादा मात्रा में पत्तियाँ नहीं खानी है, ज़्यादा खाएंगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, बस एक या दो पत्ती एक दिन में खानी है, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें इसका रस निकाल करके दिया जा सकता है, तो आधी चम्मच, और फिर उसी से ही बहुत फ़ायदा होता है। तो आप पौधा लगाएं और फ़ायदा उठाएं।